Man Rahim, Assalamu Alaikum. Hope you will be fine and will enjoying a healthy life. Welcome to EPSEC's online support program. You are joining Mohsen Ali Khan. I am lecturer of physics here in APS Zamzaman Nosheraken. Today we have to discuss the next topic of chapter 5 or unit 5 of your FBIS textbook. The topic is mass of the earth, that is article 5.2 in your physics textbook, class 9 textbook, unit 5, gravitation, article 5.2, mass of the earth, page 10110. okay, पहले भी बताया था, लेक्चर शुरू होने से पहले अपने साथ नोटबुक, पेंसिल, कॉपी, जो भी स्टेशनरी है वो रेडी करके रख लें, अदरवाइज वीडियो देखते हुए आपको कुछ समझ नहीं आएगी. ओके, नाउ लेट्स प्रॉपरली स्टार्टेड आवर लेक्चर. लर्निंग आउटकम्स ऑफ टुडेज लेक्चर विल बी, स्टूडेंट विल बी एबल टू एवेल्युएट मास ऑफ द अर्थ, के मास ऑफ द अर्थ एक प्लेनेट है, जैसे सन प्लेनेट है, अर्थ एक प्लेनेट है, नेपच्यून है, बहुत सारे प्लेनेट्स हैं. तो हम सिर्फ अर्थ को डिस्कस करेंगे कि अर्थ का मास कैसे निकाला जाता है, कितना है इन केजी. ओके, और फिर उसके बाद जाएंगे कि एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ कैसे निकालते हैं. और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू मास ऑफ द अर्थ. ओके, lecture outlines are recap Newton's law of universal gravitation. Newton's law of universal gravitation pehle bhi discuss kiya hai bahut detail mein. weight kise kehte hain, weight ko discuss karenge. uske baad mass of the earth aa jayega, mass of the earth kaise nikalte hain, average density of the earth kaise nikalte hain, ye sab kuch kafi detail mein discuss hoga. okay, now recap Newton's law of universal gravitation. Yes, recap by own. okay, Newton's law of universal gravitation आपके पास क्या है कि अगर दो masses हैं और दो masses के दरमियान कुछ distance है, एक का mass m1 है, दूसरे का mass m2 है, तो उनके दरमियान जो gravitational force होगा वो किस चीज़ के equal होगा, gm1 m2 divided by डी स्क्वेयर. ओके, इसको सामने रखते हुए, इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को सामने रखते हुए हम मास ऑफ द अर्थ निकालेंगे. ओके, व्हाट इज मीन बाय वेट, पहले तो इसका समझना बहुत जरूरी है कि वेट किसे कहते हैं. ओके, वेट पहले भी हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया है और 3 में आई थिंक, कि वेट किसे कहते हैं. अभी काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे इसको. वेट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू, किस चीज़ के इक्वल है, वेट किसे कहते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन व्हाट, बिटवीन ए बॉडी एंड द अर्थ. ओके, बिटवीन ए सिंगल बॉडी एंड द अर्थ. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ, अर्थ के दरमियान, अर्थ के दरमियान, ये अर्थ है आपके पास. ओके, इस अर्थ के दरमियान और ये कोई बॉडी पड़ी है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस पर अप्लाई करें तो इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं. इज इट क्लियर. अभी इसके इक्वेशंस की तरफ जाते हैं. अच्छा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को रिमाइंड करें. ओके, आपके पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का ये इक्वेशन एंड में आ जाता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर आपके पास एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल हो, किस चीज़ के इक्वल हो, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल हो, तो मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट आपको क्या देगा, वेट ऑफ द बॉडी. वेट इज द फोर्स. ओके, वेट ऑफ द बॉडी आपको देगा. नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन आपके पास स्टेट करता है कि m1, m2, ये m1 है, ये m2 है. इज इट क्लियर. ये m1 है, ये m2 है, ये m1 है, ये m2 है, m1, m2, m1, m2.
ओके, और इनके दरमियान सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक, इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक, इस सेंटर से इस सेंटर तक, सिमिलरिटी एंड सो ऑन, जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का. ओके, नाउ हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ द अर्थ, हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ द अर्थ. हमें लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का पता है कि हमारे पास दो मासेस हो तो उनके दरमियान एक फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कहते हैं. ओके, अगर आपके पास एक मास अर्थ है, लेट एज्यूम एम ई इज द मास ऑफ द अर्थ, एम ई इज द मास ऑफ द अर्थ, एंड एम इज द मास ऑफ द बॉडी प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, एम इज द मास ऑफ द बॉडी प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ओके, और ये आर इसका रेडियस है, ये आर किधर से किधर तक का डिस्टेंस है, इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक. लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि चूंकि ये मास वेरी स्मॉल मास है तो, और ये रेडियस आपके पास किलोमीटर्स में होता है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में होता है, तो उसमें छोटा सा एक मीटर या आधा मीटर ऐड करने या ना ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके ओके, आपके पास जनरल इसके लिए ये इक्वेशन है, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइड बाई डी स्क्वेयर. तो अगर एक मास एम ई हो जाए और दूसरा मास एम हो जाए तो ये इक्वेशन बन जाएगा, और दरमियान में डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वेयर. ओके, आर है तो आर का स्क्वेयर आएगा. न्यूटन्स लॉ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है कि एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी. अभी हम क्या करेंगे कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो वेट है, हमने वेट को डिस्कस किया कि वेट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन द बॉडी, बिटवीन दैट बॉडी एंड एंड द अर्थ, बिटवीन दैट बॉडी एंड द अर्थ. ओके, दैट स्मॉल बॉडी और इस अर्थ के दरमियान जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इस खास किस्म के फोर्स को हम क्या कहते हैं, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी. ओके, अच्छा, और ये वेट किस चीज़ के इक्वल है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन W इज इक्वल टू एम जी. इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें, इस F की जगह, इस F की जगह एम जी पुट करें, पुट इक्वेशन टू को इक्वेशन वन में पुट करें, F की जगह क्या पुट करें, एम जी पुट करें, और ये अपनी जगह लिख लें, तो आपके पास एम एम कैंसल आउट हो जाएगा, एम एम कैंसल आउट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास रह जाएगा G, और राइट हैंड साइड पर आपके पास जी एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. कुछ याद आ रहा है कि ये इक्वेशन हमने कहाँ पर देखा था, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में भी हमारे पास ऐसा कुछ इक्वेशन बन रहा था, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में भी हमारे पास ऐसा इक्वेशन बन रहा था, और मैंने कहा था कि अगर बॉडी सरफेस पर पड़ी है तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किस चीज़ के इक्वल आएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल आएगी अगर अर्थ के सरफेस पर कोई बॉडी पड़ी हुई है. अच्छा, अभी मैंने निकालना तो मास ऑफ द अर्थ है, अभी इसमें मास ऑफ द अर्थ, एम ई इज द मास ऑफ द अर्थ, मैंने इस इक्वेशन से एम ई को इवेलुएट करना है, सब्स्टिट्यूट निकालना है एम ई को, तो कैसे निकालूंगा, जी को लेफ्ट साइड पर रहने दें, आर स्क्वायर यहाँ पर डिवीजन में है, लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में बन मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और मैंने एम ई निकालना है, जी को मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाऊंगा तो जी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो एम ई किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, जी आर स्क्वायर, ये आर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा. ओके, दैट इज द फॉर्मूला, दैट इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर मास ऑफ द अर्थ. How to calculate mass of the earth, equation 4 represent the formula or the equation for calculating mass of the earth. ME kya hai, mass of the earth hai, mass of the earth. R kya hai, radius of the earth. G kya hai, gravitational acceleration. Capital G kya hai, capital G kya hai, universal gravitation constant. Okay, now moving forward. Okay, R kya hai, radius of the earth. अगर मैं रेडियस ऑफ द अर्थ मेरे पास नोन है, जिसकी वैल्यू क्या है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर. ओके, इस यूनिट को याद करें, 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6. नाउ जी क्या है, जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ओके,
जी इज व्हाट, जी इज दी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी की वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ओके, जी की वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको नोन है, 6.673 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर। इन तीनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर, इक्वेशन फोर में आपके पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ द अर्थ। इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन फोर में पुट करें, 6.4 × 10^-6 किस चीज़ की वैल्यू, रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू, जी की वैल्यू 10, कैपिटल जी की वैल्यू 6.673 × 10^-11। इन तीनों को पुट किया, ये इसका स्क्वायर लें, इसके 10 के साथ मल्टीप्लाई करें और इस वैल्यू पर डिवाइड करें, आपके पास मास ऑफ द अर्थ आ जाएगा इन केजी, ओके, 6 × 10^-24 kg, इट इज़ वेरी बिग वैल्यू, ओके, 6 × 10^-24 kg, इट्स मीन के 6 के साथ 24 जीरोज लगाएं और केजी लिख लें, इतना मास है अर्थ का, ओके। ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, ऐसे नहीं है कि हमने अर्थ लिया और उसका मास जो है वो किसी बैलेंस में डाला और कैलकुलेट किया, ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्रू फार्मूलाज हमने कैलकुलेट किया है, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मास ऑफ अदर प्लैनेट्स, ये तो हमने जस्ट एक अर्थ का मास निकाला कि अर्थ का मास कैसे निकालते हैं। आपको कोई कहे कि यार मुझे जो है मून का मास निकाल कर दे दे, या नेपच्यून का, या मार्स का मास निकाल कर दे दे, तो आप कैसे निकालेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, ओके। फार्मूला यूज वही होना है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कैन यू फाइंड मास ऑफ अदर प्लैनेट्स, यस आई कैन, ओके, डोंट वरी, फार्मूला यही है, ओके। लेकिन यहाँ जब हम मास ऑफ द अर्थ कैलकुलेट कर रहे थे तो हम रेडियस ऑफ द अर्थ पुट कर रहे थे और जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पुट कर रहे थे, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ये आप यूनिवर्स में कहाँ पर भी चले जाए तो ये जीव उसी तरह ही रहेगा, जस्ट ये दोनों वैल्यूज चेंज होती जाएगी, ओके। लाइक मैं मून का मास निकालना चाहता हूँ तो रेडियस ऑफ द मून पुट करूँगा और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मून पुट करूँगा और जी मेरे पास हर जगह पर वही रहेगा तो मेरे पास मास ऑफ द मून आ जाएगा, ओके। मास ऑफ प्लैनेट, इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में लिख लेता हूँ, जनरलाइज फॉर्म में मीन्स कि किसी भी मास किसी भी प्लैनेट का आप मास निकालना चाहते हैं तो उसी प्लैनेट का रेडियस आप लोगे और उसी प्लैनेट के सरफेस पर, रिमेंबर दैट, ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, उसी प्लैनेट के सरफेस पर जो जी की वैल्यू होती है वो लेंगे और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जो है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी 6.673 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसकी वैल्यू है हर जगह पर, किसी भी प्लेनेट का आप मास निकालोगे तो कैपिटल जी की वैल्यू यही रहेगी। अच्छा, अभी आपने एक एक्सरसाइज करना है, लाइक सन का मास मैंने निकालना है यहाँ पर, ओके, और जी की वैल्यू आपको मैंने दे दी है, सन, रेडियस ऑफ सन भी दे दिया है, जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू आपको नोन है, मास ऑफ द सन निकालोगे, इस तरह मरकरी का, विनस का, मून, मार्स, जुपिटर, जो भी है, जितने भी प्लैनेट्स है आप इसका मास निकाल सकते हो, डू इट बाय योर ओन, ट्राई इट योर सेल्फ, ओके। नाउ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ निकालेंगे अभी, फिर उसके बाद डेंसिटी की तरफ जाते हैं, मास ऑफ द अर्थ हमने निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ की तरफ जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ का शेप कैसा है, यस, थिंक अबाउट दैट, अर्थ का शेप कैसा है, स्पीयर है, क्या है, स्पीयर, अर्थ का शेप स्पीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर किस चीज की इक्वल होता है, ये आपके पास एक फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 4/3 πr³, 4/3 πr³, r रेडियस ऑफ स्पीयर, r इज व्हाट, रेडियस ऑफ स्पीयर, ये स्पीयर है, इसका रेडियस आपके पास नोन है, ओके, वो पुट करेंगे पाई 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 पर डिवाइड कर लें, मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द अर्थ आ जाएगा, या वॉल्यूम ऑफ द मून भी आप निकाल सकते हो, आपको रेडियस ऑफ द मून चाहिए होगा, वॉल्यूम ऑफ मार्स भी आप निकाल सकते हो, रेडियस ऑफ मार्स आपको चाहिए होगा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ कैसे निकालते हैं, देखिए, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 4/3 π रेडियस ऑफ द अर्थ का क्यूब, ओके, 4/3 π की क्या वैल्यू है, 22/7, π की क्या वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है आपके पास 22/7,
रेडियस ऑफ द अर्थ आपके पास क्या है, 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर, ये आपको याद करना पड़ेगा। रेडियस ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जो आपके पास कैपिटल जी की वैल्यू है, ये चारों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए फिंगर टिप्स पर। ओके, मैंने क्या किया, ये वैल्यू मेरे पास कैसे आई, मैंने 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 इसका क्यूब लिया और 22 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 3 पर डिवाइड किया, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 7 पर डिवाइड किया। ऐसे भी कर सकते हैं आप, या ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 और 2 22 को मल्टीप्लाई करें, 3 और 7 को मल्टीप्लाई करें, फिर इससे जो आंसर आएगा 4 और 22 को मल्टीप्लाई करने से, इसको इसके क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें इसके आंसर पर। ओके, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इन मीटर क्यूब, इन मीटर क्यूब। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द डेंसिटी ऑफ द अर्थ, वट इज मीन बाय डेंसिटी ऑफ द अर्थ, थिंक अबाउट दैट। डेंसिटी मीन मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर डेंसिटी ऑफ द अर्थ है तो डेंसिटी मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ भी मैंने निकाल लिया और वॉल्यूम ऑफ द अर्थ भी मैंने निकाल लिया। अच्छा, इस सिंबल पर जरा गौर करें, ये सिंबल किस चीज़ का सिंबल है, ये डेंसिटी का सिंबल है, ये सिंबल किस चीज़ का सिंबल है, डेंसिटी का सिंबल है, इसको रो कहते हैं, ऐसे ऐसे, दैट इज नॉट पी, ओके, दैट इज रो, RHO, रो, डेंसिटी ऑफ द अर्थ। डेंसिटी ऑफ द अर्थ कैसे निकालेंगे, मास ऑफ द अर्थ यहाँ पर पुट करें, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, पिछले स्लाइड में हमने निकाल लिया था, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ पुट करें, आपके पास डेंसिटी ऑफ द अर्थ की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को डिवाइड करें तो किस चीज़ में आंसर आएगा, के जी पर मीटर क्यूब, के जी पर मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा आपके पास। ओके, ये है 5461.95 kg पर मीटर क्यूब। आप kg पर मीटर क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, kg मीटर पावर -3। थैंक यू वेरी मच, लॉट ऑफ थैंक्स फॉर एब्जॉर्बिंग माई लेक्चर विथ फुल एनर्जी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी थ्रू एन ईमेल mohsinalikhan@gmail.com। और क्वेश्चन करते वक्त फिर बताता जाऊँ कि ये याद रखें कि स्लाइड नंबर मेंशन करें और क्वेश्चन ऐसे हो कि मुझे समझ आए, ओके, ताकि मैं आंसर कर सकूं। स्टे सेफ, स्टे होम, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।